सोलन में नरेंद्र मोदी की रैली, कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में भाग लिया। सोलन का ऐतिहासिक ठोडो मैदान भारी भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। हालांकि मोदी रैली में करीबन 2 घंटे देरी से पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री को देखने और उनका संदेश सुनने के लिए अपनी सीटों पर डटे रहे। जैसे ही नरेंद्र मोदी मंच पर आए, कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारों से उनका स्वागत किया। सोलन में नरेंद्र मोदी की रैली ने हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। सोलन का ऐतिहासिक ठोडो मैदान भारी भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। हालांकि मोदी रैली में करीब 2 घंटे देरी से पहुंचे, लेकिन बावजूद इसके कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री को देखने और उनका संदेश सुनने के लिए अपनी सीटों पर डटे रहे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आए, कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारों से उनका स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, सांसद वीरेंद्र कश्यप और भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी ने जहां रैली में कांग्रेस को घेरा, वहीं सुरेश कश्यप को जिताने की अपील भी की। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को नामदार की पार्टी बताया और कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो देश में करीब 70% हथियार विदेशों से आयात किए जाते थे, लेकिन जब वे सत्ता में आए तो उन्होंने हथियार भारत में ही बनाना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि नामदार का लक्ष्य मोदी को हराना है और मोदी का लक्ष्य देश को जिताना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में सेना के जवानों को शहीद होते देखते रहे, लेकिन उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सुरक्षा सौदों को केवल ATM की तरह उपयोग किया, जब चाहा पैसा निकाला और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की 4 सीटों पर उनकी विजय पक्की है, लेकिन जीत शानदार होनी चाहिए, इसलिए कोई भी मतदान से ना चूके। उन्होंने ये भी कहा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए किसी भी तरह की चूक इस चुनावी रणक्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। उनका मिशन मोदी की छवि बिगाड़ना होगा, मोदी का मिशन भारत की छवि को पूरी दुनिया में ऊंचा उठाना। साथियों, कांग्रेस की स्थिति आज देश में वोट कटुआ पार्टी की हो गई है, ये मोदी नहीं कह रहा है, खुद कांग्रेस के लोग कहते हैं। इसका एक ही कारण है, इनका अहंकार। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी सेना उनसे बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रही। कांग्रेस 6 साल तक उनकी इस मांग को टालती रही। हमारे बच्चे आतंकी हमलों में, नक्सली हमलों में शहीद होते रहे, लेकिन कांग्रेस कह रही है हुआ तो एक ही जवाब, लोग शहीद हुए, हुआ तो हुआ। और ये क्यों होता था? क्योंकि इसमें ये रक्षा सौदे इन लोगों के लिए ATM था, मलाई खाना का, रुपया निकालने का खेल था, इसलिए इन्होंने कभी भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया। और कोई सौदा था नहीं, कोई ऐसा रक्षा सौदा नहीं है पहले जिस पर इन लोगों पर गंभीर आरोप न लगे। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।